लो ना भाई। ये देखिए सरकारी संस्थान सब बंद है लेकिन कुछ पोस्ट ऑफिस खुले हुए हैं। हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो जैसा कि आप सभी को बताऊं कि हम लोग फिर से निकलने वाले हैं एक फैमिली ट्रिप में, और हम लोग भी जाने वाले हैं पचघाग। बगल में जो अंकल है वो उन्होंने अचानक से कल शाम में प्लान बना दिया है पिकनिक का, तो अभी उनकी फैमिली और हमारी फैमिली कंप्लीट जो है वो पिकनिक के लिए निकलने वाले हैं। बस थोड़ी देर में हम लोग तैयार हो चुके हैं, बस थोड़ी देर में हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो दिखाते हैं हमारे घर की तैयारियाँ। तो यही अंकल जिनके साथ अभी हम लोग पिकनिक पे जा रहे हैं, और अंकल जो है इसी पिकनिक को ऑर्गेनाइज अंकल ही किए हैं। तो अंकल से पूछते हैं कि वहाँ जाके के हम लोग क्या क्या करने वाले हैं और क्या क्या खाने वाले हैं। 17-18 आदमी हम लोग जा रहे हैं, तीन गो गाड़ी है, फोर व्हीलर, तीनों से जा रहे हैं हम लोग। और कहाँ जा रहे हैं हम लोग? पंचघाग। और क्या है खाने पीने का प्रोग्राम? खाने पीने का मस्त प्रोग्राम है, एकदम देसी चिकन है, पुलाव है, पापड़ है, सलाद है, डांस होगा, नाश्ता होगा, खाना होगा। जो डांस नहीं करेगा उसको छूट नहीं मिलेगा, वही छोड़ दिया जाएगा, वही छोड़ दिया जाएगा। हम लोग तैयार हो गए हैं पूरी तरह से, सब लोग तैयार हैं। कुछ कुछ सामान चटाई ले लिए हैं, खाना बनाने के लिए बर्तन ले लिए हैं, चिकन तो मार्केट से ले लेंगे। तुम भी ले दिए है? पड़ोस के भी लोग के साथ में जा रही हूँ, और हम लोग के ही एरिया में है रहने वाले, हम लोग के मोहल्ला के हैं, उन्हीं के साथ घूमने जा रही हूँ, और सबको मिल के एंजॉय करेंगे। पानी में चमचम करें, पानी में चमचम हो गया, जाओ। तो फाइनली हम लोग घर से निकल गए हैं, और मम्मी और बाबू ऑलरेडी अंकल के साथ दूसरी गाड़ी से निकल चुकी है। तो भी आप देखिए, अभी हमारे मेरे साथ पापा, सान्या, अमित ड्राइविंग सीट पे, हस्बैंड, मैं और मेरी बहन, हम लोग सब लोग साथ में निकल रहे हैं पंचघाट के लिए। चलिए तो फाइनली हम लोग सब जा रहे हैं पंचघाग, और खूपी चौक पे रुके हैं फिलहाल।
फाइनली हम लोग पिकनिक स्पॉट पे पहुंच चुके हैं और अब देख सकते हैं कि खाना बनने का तैयारी शुरू हो गया। यहाँ पे प्याज कट चुका, धनिया कट चुका, वहाँ आंटी चूल्हा जला ली है चिकन बनाने के लिए। अभी तो फिलहाल प्याज काटने का जिम्मेवारी भी लगा, बहुत भारी जिम्मेदारी है, कैसे नहीं आ पाई जैसे तैसे। मैं कलर बना रही है। क्या बना रही है? अंडा। तू कोयला का अंडा बना रही है? खाना खाना अंडा। मम्मी क्या कर रही है? बाबू के साथ बैठ करके अंडा है सो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आए हैं बस एंजॉय करेंगे, घर जाएंगे और क्या। हम यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं, नाचने आए हैं, गाने आए हैं और नचाने आए हैं। नचाने आए हैं, नचाने आए। चलिए। मुझे चिकन बनाना है, मैं भाभी की हेल्पर हूँ। अच्छा। वो बनाएंगी, मैं उनका हेल्प करूंगी, एंजॉय करूंगी और घर जाऊंगी। अब ये देखिए पापड़ बनाने जा रहे हैं। आप लोग को भी खाना है तो आ जाइए। देखिए देखिए गिर गया। कृतिका। अच्छा, क्या तुमको जिम्मेदारी मिला, क्या कर रही है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? What are you doing, दीदी? कुछ नहीं। अरे बोलो। अरे बोलो। अरे बोलो। बोलो। क्या बोले? क्या करने आई तुमको, क्या जिम्मेदारी मिला है? नाम पहले बताओ। बैठ के फोटो खिंचाने का जिम्मेदारी मिला। बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। कहाँ आई है और क्या करना है? और खाना है। नाम नहीं बताई। बिट्टू। बताओ। अरे बोलो ना। क्या बोले? क्या करने आई है, क्या जिम्मेदारी मिला है? मेरा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम सिर्फ मस्ती करने आए हैं। मस्ती करने आई है बस। चलो और फोटोज क्लिक कर ले। तुमको पापड़ खाने का जिम्मेदारी मिला है? खुद ले रहा हूँ। अच्छा, खुद ले रहा है। कितना किलो चिकन है? गलती बताई थी कि 7 किलो, लेकिन उल्टा चिकन लिए हैं। देखना प्लास्टिक हटा के। अब देखिए चारों तरफ पिकनिक चल रहा है। देखिए चावल अलग से लगता है चढ़ा रही है। क्या मम्मी चावल अलग से बन रहा है? मामा चिकन बन रहा है 9 kg देसी चिकन। देसी चिकन 2 ट्रिप में बनेगा चिकन। एक ट्रिप में हो जाएगा। सरकारी संस्थान सब बंद है लेकिन कुछ पोस्ट ऑफिस खुले हुए हैं यहाँ। अभी चिकन बनने में 1 घंटा लगेगा। अभी फ्राई हो रहा है, मसाला भुंजाएगा, चिकन तैयार हो जाएगा। चिकन का देसी चिकन का तड़का लग रहा है अभी, फ्राई होगा। अभी फ्राई हो रहा है, 1 घंटे में चिकन सीज जाएगा। घर से व्यवस्था करके लाई थी है ना। क्या क्या है नाश्ता में? नमकीन है, सर सेव भी था ना।
कैसा बना है? लाजवाब टेस्टी है, सिर्फ बैठने में नहीं बन रहा है, बाकी सब कुछ ठीक है। आई तो पूरा कलेजी लेके बैठ गए हैं हम लोग, ये छोड़े कि नहीं छोड़े हैं? इसी में बैठ जाओ। भाजी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। खराब बोलिएगा तो फुआ भी देगी भी नहीं। ये देखिए लास्ट लाइक। लो 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 बेचारी इसके बाद क्या प्लान है? इसके बाद प्लान है खाने के बाद हम लोग हाथ धोएंगे, उसके बाद घूमने निकलेंगे पहाड़ पर, झरना घूमेंगे, पहाड़ घूमेंगे, इधर उधर घूमेंगे, नजारा देखेंगे, इसके बाद शाम को हम लोग वापस निकल जाएंगे। ठीक आंटी, आपका बनाया हुआ चावल कैसा लग रहा है? चावल कैसा बनाया? अरे बोलो ना, गोंगा है बे। चावल तो अच्छा ही रहता है। चावल अच्छा रहता है। और चिकन कैसा है? मटन टाइप का। फेवरेट पीस कौन सा है? लेग पीस। ठीक है मम्मी, दांत लाई थी? दांत का थोड़ी खाना होता है। क्या? दांत का खाना थोड़ी होता है। मम्मी का दांत कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, सबको एक साथ एकजुट होकर के हम लोग खाना खा रहे हैं, बहुत मस्ती आ रहा है। सभी लोग तो अपने अपने घर में खाते हैं। तो मम्मी का दांत पापा लेकर भाग गया रात को। अन्ना कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ले जा मेहमान। कौन सा पीस अच्छा लग रहा है? अभी तक तो कुछ खाली भी नहीं हुआ है। कलेजी अच्छा लग रहा है। क्यों नहीं? अभी तो अब घूमने जाएगी ना। अभी अगला प्लानिंग क्या है? क्या अगला क्या प्लानिंग क्या है इसके बाद? यहाँ पे वहाँ पे फॉल के पास जाना और वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा रॉक है, वहाँ पे क्लाइम करना। रॉक क्लाइंबिंग करना? हाँ? अच्छा, और झूला वाला भी? झूलना नहीं, झूला झूलने का है, झूला है वहाँ पे, है झूला, है एडवेंचर का भी जगह। पानी में भी जाना है उसको? तो पानी में भी जाने का है? ना 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 नहीं नहीं। कैसा लग रहा है खाना? अच्छा है, बहुत अच्छा है। मम्मी मतलब अच्छा बनाती है? मम्मी तो अच्छा बनाती है। शादी उदी का काम आराम से उठा सकते हैं फुआ। बैडमिंटन का वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रहा है, एक तरफ सानिया मिर्जा है तो दूसरी तरफ महेश भूपति। लेड़ा है लेकिन मेरा है। मेरे नारद
चलवे मेरे नाल तू नचलवे नचलवे मिले ना मिले फिर तो एदां दा समां चल जावे उतरे ना सानू ए नशा तो फाइनली हमारी पिकनिक खत्म, सामान सारा पैक हो रहा है और हम लोग अब घर निकलेंगे। तो ओवरऑल यहाँ का पिकनिक बहुत मजेदार रहा, सब लोग बैडमिंटन खेले, कुछ लोग घूमने गए। तो खत्म हुआ आज का संडे और हमारा ये पिकनिक ट्रिप।